तो फिनिश काफ़ी अच्छी दी हुई है, जो कि मीवी की इसके ऊपर जो ब्रांड दिया हुआ है, जो कि मीवी का इसका लोगो दिया हुआ है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। सो आज का व्लॉग बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि दिल्ली में इतना बढ़िया मौसम हो रहा है। तो आज पूरा हम व्लॉग स्टार्ट करेंगे। पहले हम जाएंगे आज चांदनी चौक, तो वहाँ से मैंने एक दो चीज़ें लेनी थी, देखते हैं वहाँ मिलता है या नहीं, क्योंकि आजकल मैं सुनने में आ रहा है कि बहुत बंद है वहाँ की शॉप्स वगैरह, तो देखते हैं वहाँ ओपन है या नहीं। तो उससे पहले आज हम पहले अनबॉक्स करेंगे जो कि मीवी का डुओ पॉड, जो कि M40। तो मीवी ने प्रोवाइड किया, देखते हैं कैसा है। M40, M20 मैंने रिव्यू कर चुका हूँ ऑलरेडी, उसकी अनबॉक्सिंग भी मैंने दिखा दी, अगर नहीं देखे तो ऊपर आई बटन में आ रहा है, आप देख सकते हो। तो आज हम पूरा इसकी अनबॉक्स करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना, मोटिवेशन मिलेगी। लेट्स गेट स्टार्टेड। गाइस अभी हम जा रहे हैं चांदनी चौक। सो मौसम आप देख सकते हैं कितना बढ़िया हो रहा है। तो आज पूरा हम एक्सप्लोर करेंगे चांदनी चौक, और वहाँ से हमने कुछ दो चार चीज़ें लेनी है, तो हम देखते हैं कि पूरा मिलता है या नहीं। तो ये रहा प्रोडक्ट, जो कि वायरलेस फ्रीडम डुओ पॉड्स M40, जो है ट्रू वायरलेस ईयरफोन्स। तो देखने में बहुत बढ़िया लग रहे हैं। तो अगर हम इसके बैक साइड में जाएंगे तो है जो कि इसके कुछ फंक्शंस, जैसे कि डैश रेजिस्टेंस, वन टच प्ले एंड प्ले बटन, और कुछ और फंक्शंस इसके जो कि नॉर्मल जो कि हर वायरलेस ईयरफोन्स के होते हैं। तो काफी अच्छा लग रहा है, देखने में बहुत बढ़िया लग रहा है। सो विदाउट मच वेस्टिंग टाइम, लेट्स ओपन इट। सो एज यूजुअल हमें मिलता है एक मीवियन का 1 ईयर वारंटी कार्ड। तो ये रहा M40, जो देखने में काफी अच्छा लग रहा है। इसकी केस भी काफी अपग्रेड किया गया है, क्वालिटी काफी अच्छी लग रही है, और इसका जो टनल है काफी अच्छा लग रहा है। इसकी क्वालिटी काफी इंक्रीज की गई है M20 से। M20 का सिर्फ रबर का एक बैंड था। सो हम इसको ओपन करके देखते हैं कैसा है। तो ये रहे मीवी के डुओ पॉड्स, ये मेटेलिक इन्होंने फिनिश दी हुई है, अच्छी लग रहे हैं काफी। तो बिल्कुल डिफरेंट लग रहे हैं M20 से। तो मैं एक बार डुओ पॉड्स आपको निकाल के दिखाता हूँ। तो ये रहे डुओ पॉड्स, काफी अच्छी फिनिश दी हुई है, जो M20 से काफी अपग्रेड किया गया M40 में। सो इसके ईयरबड्स बाकी बिल्कुल सेम ही है, जो इसकी जो फिनिश दी हुई है, और टच बटन भी अपग्रेड वर्जन लग रहा है, काफी अच्छा लग रहा है जो कि M20 से। तो अगर हम इसके केस की बात की जाए तो केस के वही 4 लाइट्स दे रखी है, जो बैटरी का इंडिकेटर दिया हुआ है, बिल्कुल अपोजिट साइड इसके दिए हुए चार्जिंग स्लॉट। केस काफी अच्छा लग रहा है, जो कि M20 से इंक्रीज किया गया M40, तो बहुत अच्छा लग रहा है। सीरियसली काफी अच्छी फिनिश दी हुई है, तो काफी आप देख सकते हैं काफी स्टाइलिश है, जो M20 का इतना स्टाइलिश नहीं था जो M40 का दिया गया। तो नॉर्मल USB वायर दी हुई है, जो M20 में थी बिल्कुल नॉर्मल वैसी ही है। चार्जर इस बार भी कोई नहीं दिया है। इसके साथ हमें कुछ एक्स्ट्रा ईयरबड्स मिल जाते हैं, जो कि 4 to 6 ईयरबड्स है एक्स्ट्रा। तो बॉक्स में हम जाएंगे तो कुछ है यूजर मैनुअल की कैसे इसको यूज करना है, कैसे इसको पेयर करना अपने फोन के साथ और यूज करना है। काफी अच्छा लग रहा है, काफी अपग्रेड वर्जन लग रहा है। तो हम सीधा आप डुओ पॉड्स की बात करते हैं। तो काफी अपग्रेड वर्जन लग रहा है, जो कि M20 से, क्योंकि तो M20 का इतना अच्छा केस नहीं था जितना M40 का है। काफी स्टाइलिश है, तो पिक्चर में ही दिख गया था काफी स्टाइलिश लग रहे हैं, तो बिल्कुल वैसे ही है। बिल्कुल मेटल की फिनिश दी हुई है इसके अंदर। तो एक बार आपको और दिखाता हूं मैं। सो फिनिश काफी अच्छी दी हुई है, जो कि मीवी की इसके ऊपर जो ब्रांड दिया हुआ है, जो कि मीवी का इसका लोगो दिया हुआ है, अच्छा लग रहा है, चमक चमक सा लग रहा है। तो क्वालिटी अच्छी लग रही है काफी। तो इसको केस को हम एक बार चार्ज जब डालते हैं तब काफी इसकी पजल जाएगा। बहुत बढ़िया फिनिश लग रही है इसकी, काफी फास्ट मैग्नेट है इसके अंदर, तो क्वालिटी अच्छी लग रही है काफी अभी तक। तो एक बार मैं चार्ज करता हूँ, फिर एक बार देखता हूँ कि कैसे इसकी साउंड वगैरह सब कुछ A to Z कैसा है। तो आप देख सकते हैं कितनी क्वालिटी कितनी अच्छी लग रही है। रेड कलर के चलेंगे, वाह इट्स लाइट्स, तो देखो एकदम रेड और ब्लू कलर की लाइट चल रही है, इतनी मस्त लग रही है, इतनी बढ़िया लाइट लग रही है। केस भी इतना बढ़िया है, और चार्जिंग तो हो रही है, अभी स्टार्ट हुई है चार्जिंग। तो आप देख सकते हैं ये पेयर करने की कोशिश कर रहा है कोई नियर बाय, क्योंकि मैंने अब तक फोन ऑन नहीं किया है। स्टार्ट कर दिया पेयर, एक बार क्लिक करते हैं। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल पेयर करना बंद हो गया, वो चार्ज हो रहा है। केस मुझे जो सबसे बेस्ट स्टार्टिंग में वो लगा है, जो कि केस। तो काफी स्लिपरी है केस, पर अच्छा लग रहा है, स्मूथ है, और जो इसकी टनल दी हुई है हैंडल करने के लिए वो भी काफ़ी अच्छी है, जो ग्रिप करने वाली काफ़ी अच्छी टनल दी हुई है।
सो मुझे तो अभी तक अच्छा लगा है। एक बार मैं इसको फुल चार्ज करता हूँ, जो मुझे इसकी लाइट देखने को मिली है। वाओ, सो पेयरिंग में इतना बढ़िया लग रहा है जो कि इसके कलर, सो आप देख सकते हैं M40। सो यही था इस वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करना, और अगर नहीं लगी अच्छी तो प्लीज़ डिसलाइक करना, एक जरूर करना आप प्लीज़। तो अगर अच्छी नहीं लगी है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको क्यों नहीं अच्छी लगी, और मैं क्या ऐसा कर सकता था कि ये वीडियो और अच्छी हो जाती। सो अंटिल देन, बाय बाय।